नियुक्ति दे, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं आपको। आई एम फ्रेंकली द रॉन्ग पर्सन टू आस्क दैट क्वेश्चन टू बिकॉज आई डोंट नो हिज माइंड, आई डोंट नो हिज अप्रोच, बट आई डू गेट द सेंस दैट द प्राइम मिनिस्टर प्रॉमिसेस थिंग्स विदाउट थिंकिंग देम थ्रू। ही प्रॉमिस्ड, मेड मेनी प्रॉमिसेस, यू नो, टू द यूथ ऑफ इंडिया। ही मेड प्रॉमिसेस अबाउट एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंड आई थिंक ही जस्ट मेड देम। एंड आई गेट द सेंस दैट पीपल आर डिस्टर्ब दैट द प्राइम मिनिस्टर्स क्रेडिबिलिटी इज ऑन द लाइन and nothing has happened for 9 years. We of course are committed to a solution to the problem over here. Yeah, see. Sir, you started a Nyay Yatra. The Congress has said that this is not an electoral yatra. But before coming here, you had attended a number of Lok Sabha elections preparatory meetings. How do you see the Congress placed in taking on the BJP electorally in 2024? Thank you. I see the India Alliance placed very well in taking on the BJP in 2024. The Yatra is a ideological Yatra. It is designed to place certain issues on the table, and frankly to place squarely on the table the issue of huge amount of injustice that is taking place in this country. There is an election campaign. We will fight that election campaign. There will be an election process. We will take part in that process. But the Yatra is to place certain ideas on the table firmly in front of the people of India. And these are ideological ideas. It's a alternative vision to what the BJP says, the divisive vision of the BJP. तो जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो विचारधारा की यात्रा है। इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा, अच्छी तरह चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतेगा। ये इस यात्रा का लक्ष्य जो न्याय का सवाल है उसको जनता के सामने रखने का है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, उसमें बहुत सारी इश्यूज हैं। कास्ट सेंसस का इश्यू है, जैसे यहां पे नागालैंड में अभी बातचीत हुई कि यहां पे वायदे किए गए थे वो वायदे तोड़े गए हैं। मणिपुर में आपको दिख रहा है क्या हुआ है। तो इन मुद्दों को उठाने की यात्रा है, विचारधारा की यात्रा है। इलेक्शन कैंपेन होगा, वो प्रोसेस चलेगी, उसमें हम सब भाग लेंगे। जी सर, भारत जोड़ो यात्रा जो पहला चरण था उसमें भी मैं था यात्रा में, उसमें आप पैदल चलते थे तो लाखों लोग साथ होते थे। इस बार यात्रा में हर 2 मिनट पर आपको उतरना पड़ रहा है क्योंकि कतार में इतने लोग होते हैं। आगे आपको लगता है कि आपको नीचे उतरना ही होगा? फिर एक सवाल और है सर इससे जुड़ा हुआ। एक ही सवाल, अगर एक सवाल, ये आपका अच्छा सवाल है, इसका मैं पहले जवाब दे देता हूं। देखिए, टाइम की कमी है। अभी हम मणिपुर नागालैंड में हैं, यहां पे काफी लंबे गैप्स हैं, तो उसमें तो बस में ही जा रहे हैं। मगर जब हम असम में, बंगाल में, बाकी स्टेट्स में आएंगे तो मुझे लगता है कि जो वॉकिंग एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मगर टाइम का इश्यू है क्योंकि हम इसको मतलब 4-5 महीने लंबा तो नहीं खींच सकते हैं। वो पिछली यात्रा 150 दिन की थी, 150 दिन नहीं है, तो इसको थोड़ा हमें टाइट करना पड़ रहा है। रूल है, एक व्यक्ति एक सवाल। इंद्रजीत, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जिसमें वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की जो विचारधारा है, कांग्रेस की जो विचारधारा है, वो लोगों के बीच लेकर जाने के लिए ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहा हूं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।